सदाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत और गुप्त साधना लेके आया हूं, और ये जो साधना मैं देने जा रहा हूं ये पूर्ण रूप से गुरु मुख से और गुरु गद्दी से प्राप्त है, ठीक है। और पूर्ण रूप से ये देसी ग्रामीण साधना है। इसका उल्लेख ना आपको किसी बुक में मिलेगा, ना किसी सोशल साइट पे। हाँ, अगर साधना डाली हो किसी ने तो अलग बात है, लेकिन जो मैं साधना दे रहा हूँ वो पूर्ण रूप से देसी साधना है प्रॉपर। तो कौन सी साधना है और कितने दिन में होने वाली है, क्या क्या कार्य कर सकते हैं आप उसके माध्यम से, क्या नहीं कर सकते, साधना करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू बताऊंगा। कितने दिन में साधना हो जाएगी, और अगर कोई साधक उस साधना को करता है तो उसके जीवन में क्या क्या घटित होगा, क्या क्या परिस्थितियां बदलेंगी, क्या उस शक्ति के माध्यम से साधक अपना दुर्भाग्य बदल सकता है, यानी अपना भाग्य बदल सकता है, क्या वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति साधना क्यों करता है, उसके दो रीजन होते हैं साधना करने के पीछे के। एक तो ये कि व्यक्ति परमात्मा के मार्ग पर चले और लोगों का जन कल्याण करे, यानी कि उसको धन दौलत से कोई लगाव ना हो, यानी उसके मन में कोई भी लालच ना हो। और एक वो व्यक्ति कि मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो क्यों ना किसी शक्ति की साधना की जाए और उसके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े, शक्ति हमें गाइड करे, जो हमारा दुर्भाग्य है उसको अच्छे में बदला जाए, दुर्भाग्य खत्म किया जाए और हम धन का आगमन हो। यानी कहने का मतलब सीधा सिंपल सा है कि धन कमाने के लिए। तो दोनों रीजन ही सही हैं, गलत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को सर्विस देता है, उसके एवेज में धन लेता है, अपनी फीस लेता है, तो कुछ गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग शक्तियां प्राप्त करने के बाद उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको गलत काम पे चलाते हैं, लोगों का बुरा करते हैं। यानी कि अच्छा करने के लिए 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन बुरा करने के लिए उसी काम को 10,000 मिलेंगे। तो लोग पैसे के लालच में आके गलत करते हैं, और फिर उनको ये नहीं पता होता है कि हम अगर शक्तियों से गलत कार्य करते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम हमारे जीवन में पड़ेगा, यानी कि उसका परिणाम हमें इसी जीवन में भोगना है या मरने के बाद भोगना है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मरने के बाद दुर्गति होगी, नरक में जाएंगे। जितनी दुर्गति होनी है वो यही होगी, इसी लोक में जीते जी। कि कब जीते जी, मरने के बाद वो हिसाब करेगा, लेकिन यहां हिसाब आपके कर्मों के यही मिलेंगे। तो जो भी साधक साधना करे तो वो मन में कोई भी लालच या पाप किसी प्रकार की भी गलत भावना लेके ना करें। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, और शक्तियाँ अपने साधक का कभी भी अहित नहीं करती हैं। जब भी साधक, आपने देखा होगा आपके आसपास की कोई भी व्यक्ति, कोई भगत होता है, साधक होता है, ओझा होता है, तांत्रिक होता है, शोका होता है, ये शुरू में जब इनकी शक्तियाँ इनको प्राप्त होती हैं तो ये बड़े ही उच्च लेवल के काम करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो रात और रात प्रसिद्ध हो जाता है, रात और रात, यानी कि उसकी विशेषताएं इस तरीके से फैलती हैं जैसे जंगल में आग, लोकप्रिय हो जाएगा, दूर दूर तक जाना जाएगा, उसके काम के चर्चे। लेकिन कुछ समय जब लौट के आता है, मात्र 2 से 4 साल या 6 साल या 10 साल भी नहीं होते हैं, 4-6 साल में
वो व्यक्ति जहां से उसने शुरुआत करी थी वहीं आके पटक जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्योंकि वो पैसा कमाने के, धन कमाने के चक्कर में गलत कार्य करने लगता है, शक्तियों का दुरुपयोग करता है, उस शक्तियों को टाइम पे उनकी पूजा ना देना, यानी टाइम पे उनका भोग ना देना, जप तप नहीं करना, यानी कि जाप नहीं करना, उनके जो नियम है उनको फॉलो नहीं करना। एक साधक की लाइफ और एक आम व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं अपना बोलता हूं कि अपनी मर्जी से हम कहीं आ जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे नियम इतने होते हैं कि हमें उस टाइम पे वो कार्य करना ही है। अगर हम नहीं करेंगे तो कहने का मतलब है हम शेर पे सवार हैं। अगर शेर पे सवार, शक्तियां प्राप्त करने का मतलब है शेर पे सवार, अगर आप तनक भी चूके तो वो आपको खा जाएगा। यानी शक्तियां वचनबद्ध होती हैं, लेकिन तनक अगर आपसे चूक हो गई तो वही शक्तियां आपका पतन कर देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बातें होती रहेंगी, आज फिलो भावुक हो गया तो आप लोगों को बता दिया। काफ़ी समय बाद सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ हूँ और आप लोगों से जैसे पिछली वीडियो में वादा किया कि साधना दूंगा तो साधना लेके आया हूँ। तो आज की मैं जो साधना, सभी पहलुओं पे बात करूँगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि है, ज्ञान आध्यात्मिक, जरूरी नहीं है कि आप तांत्रिक ही बने, आप साधक ही बने। हमारी बातों से आपको मोटिवेशन मिलेगा भविष्य में, फ्यूचर में। परमात्मा ना करे कि आपको कभी तंत्र की कोई समस्या हो, लेकिन जब जीवन है तो समस्याएं तो आएंगी आएंगी। तो उनसे कहीं ना कहीं हमारी बातों से अगर आपका एक भी काम बन जाए तो आप कहेंगे यार फलाने बाबा की वीडियो देखी थी, आज उनका ज्ञान हमारे काम आ गया। तो ज्ञान कभी, ज्ञान जहां मिले ले लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। चैनल को सब्सक्राइब करना है या अनसब्सक्राइब करना है वो आप जाने। हमारे चैनल पे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आध्यात्मिक क्षेत्र की जानकारी मिलेगी, फालतू बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं जो मैं साधना लेके आया हूं। ये साधना है नटवीर साधना, नटवीर साधना, जो कि पूर्ण रूप से गुरुमुखी और गुरु गद्दी से प्राप्त है और पूर्ण रूप से तामसिक साधना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक इसको बड़े ही आराम से कर सकता है, लेकिन उसके पास गुरु का होना अनिवार्य है। वो गुरु मार्गदर्शन में करे, गुरु निर्देश में करे, गुरु के सान्निध्य में साधना को करे। ठीक है, इस साधना करने से जीवन में आपके कभी कोई दुष्परिणाम, यानी दुष्परिणाम नहीं होगा। कभी भी इस साधना के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ये हमेशा नटवीर जो है हमेशा अपने साधक को सफलता की ओर लेके जाते हैं। साधक को, अपने साधक को हर सुख देने की कोशिश करते हैं, यानी सुख समृद्धि यश वैभव धन सब कुछ से संपन्न करते हैं। और इनके माध्यम से आप सारे षटकर्म कर सकते हैं, चाहे वो वशीकरण, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशण, जो भी आप करना चाहें। आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, ओझा है, सोखा है, बाबा है, तांत्रिक है, जो भी हैं आप। अगर आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आना है, आप चाहते हैं जन कल्याण करना और आप भी चाहते हैं कि यार मेरे पास भी कुछ ऐसी एनर्जी हो पॉजिटिव, यानी मेरे पास भी कुछ ऐसी शक्ति हो कि मैं चमत्कार कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं, लोगों को ठीक कर सकूं, जैसे चंदननाथ जी करते हैं या जैसे और बाबा करते हैं, तो आप साधना कर सकते हैं। कोई दुष्ट परिणाम जीवन में नहीं आता है इनकी साधना करने के बाद या पहले। बड़े ही सरल पूर्वक आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। बस गुरु मार्गदर्शन में, गुरु सानिध्य में ही साधना को करें। तो चलिए सारे षटकर्म, अगर आप किसी गद्दी वगैरह लगाते हैं या दरबार लगाते हैं या कुछ भी है, आप अपनी सेफ्टी के लिए या कुछ भी किसी तरीके से आप साधना मार्ग में आना चाहते हैं, तो इनके माध्यम से सारी निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं आप। भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान कच्चा पक्का साखनी डाकनी
चुड़ैल, भूतनी और राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्रेत, जो भी पिशाच, पिशाचनी और कितनी भी बड़ी निगेटिव एनर्जी है, मात्र इनके एक उतारे से या इनके मंत्र झाड़े से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा परमानेंट लाइफ टाइम के लिए। चाहे वो जिन हो, जिन्नात हो, कुछ भी हो, सारी समस्याओं का समाधान बड़े आराम से इनके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं साधना का। विधि विधान दूंगा पूरा, कॉपी पेन ले ले और लास्ट तक वीडियो देखें। ये साधना 11 दिन की साधना है, 11 दिवसीय साधना है और रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गुरु से आज्ञा ले ले, और जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वो डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम कैसे उनको साधना करनी है वो भी बताएंगे। हमारे मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तब भी हम आपका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये साधना 11 दिवसीय साधना है, प्रतिदिन 5 माला जाप करना है। ये एक सावन मंत्र साधना है जो कि पूर्ण रूप से देसी मंत्र है, देसी बोलचाल का आम भाषा। ठीक है, रात्रि 10 बजे के बाद कभी भी आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपके आसपास कोई पुराना कुआं हो, जंगल में हो, आस हो, पास हो, दूर हो, और जिसके पास कुआं नहीं है नदी किनारा हो, ठीक है, और नदी किनारा भी ना हो तो पीपल का वृक्ष हो। सबसे पहले आपको या तो कुएं पे जाना है, या नदी किनारा जाना है, या पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। दिन होगा शनिवार, रात्रि 10 बजे से आरंभ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप 8 बजे पूरी तैयारी करके धूप बत्ती 5 अगरबत्ती, एक सरसों के तेल का दीपक और एक मुट्ठी चावल और उसमें थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें लेके आप पीपल के वृक्ष के नीचे या कुएं के पास या फिर नदी किनारे पे जाएं, जाके दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें सरसों के तेल का। दिशा आप अपनी दक्षिण रखें और दक्षिण रखने के बाद वहाँ प्रार्थना करें कि हे नटवीर, मैं आपकी साधना आज से आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना सफल हो और आप मुझे दर्शन दें, और मैं आपको यहाँ नोतने आया हूँ, आप मेरे साथ मेरे स्थान पे आए और आके मुझे दर्शन दें। ये चावल वगैरह वहीं रख देना, वहीं दीपक प्रज्वलित करना है, हाथ जोड़ के आ जाना है। ये साधना के प्रथम दिन करना है, ठीक है, प्रथम दिन करना है। एक दीपक आपका प्रथम दिन वहां जलेगा, यानी प्रथम दिन से लेके ये 11 दिन तक की साधना है, तो एक दीपक आपके घर जलेगा और एक दीपक, यानी एक तो अपनी साधना कक्ष में और एक दीपक जहां आप एक बार जला के आ जाएंगे, पूरे 11 दिन तक वहां डेली यही प्रक्रिया आपको करनी है। फिर आपको चावल वगैरह नहीं लेके जाने, केवल दीपक लेके जाना और 5 अगरबत्ती जला के वापस आ जाना है। दीपक आपको जहां भी आप जलाना चाहें, कुएं के पास या नदी किनारे या पीपल, तीनों ऑप्शन है, वहां पे आपको जलाना है। फिर आप ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं रात्रि 10 बजे के बाद। इसमें दिशा जो आपकी रहेगी दक्षिण रहेगी, आसन कुशाकर रहेगा या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले। सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, फिर भैरव मंत्र की और फिर एक माला गुरु मंत्र की और रक्षा मंत्र की, एक एक माला। साधना करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा ले ले, दिशा दक्षिण, आसन कुशाका या काले रंग का, माला रुद्राक्ष की और वस्त्र काले। प्रतिदिन 5 माला जाप करना है, श्रावण मंत्र साधना है, गुरु आज्ञा लेके। साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है। साधना काल में जो अनुभव हो वो अपने गुरु के सिवा किसी से शेयर ना करें। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लोग किसी भी व्यक्ति से नहीं बताना है, कम से कम वार्तालाप करना है और हो सके तो कम से कम लोगों के संपर्क में रहिए। ठीक है, अब इसमें जो दीपक है वो आपका सरसों के तेल का, और जो भोग है, भोग में 7 प्रकार की मिठाई पहले दिन देनी है, ठीक है, और लास्ट वाले दिन देनी है, और देसी दारू की 1.25 बोतल लानी है आपको पहले दिन, जो कि आपके पूरे साधना काल में चलेगी, और लास्ट वाले दिन फिर 1.25 बोतल लानी है देसी दारू की, जो बाबा को पूरी बोतल चढ़ानी है
देनी है भोग में, ठीक है। साधना में क्या क्या, भोग में सात प्रकार की मिठाई, एक नींबू वाली प्रतिदिन, लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा यानी दो लौंगे, बतासा, कपूर प्रतिदिन बाबा को अर्पित करना है, एक प्रतिदिन गांजे की सिरगट या हुक्का देना है बाबा को, सादा मीठे तंबाकू का या फिर गांजे की सिरगट देनी है आपको, ठीक है। ये प्रतिदिन करना है और मिठाई पहले और लास्ट वाले दिन देनी है, हुक्का डेली देना है और नींबू बली और लौंग बतासा कपूर प्रतिदिन देना है। जो सवा बोतल दादू लाए हो वो आपके पूरे 11 दिन चलेगी, लास्ट वाले दिन और सवा बोतल दादू लानी है, ठीक है। दिशा दक्षिण प्रतिदिन वही आपकी 5 माला जाप करना है। साधना करने से पहले एक बात आपको, जहां दीपक आप जला के आए हैं वो दीपक जरूर जलाना है। और ये तो रहा आपका पूरा विधि विधान हो गया। साधना के अंतिम दिन आपको एक देसी लाल रंग के मुर्गे की बाबा को भेंट देनी है, बलि देनी है। और साधना के दूसरे या पहले दिन से ही ऐसे दिव्य अनुभव होंगे कि आप जब बाबा को नोत के आएंगे तो बाबा आपके साथ वहीं से हो लेंगे, क्योंकि उनका स्थान, ये जो बाबा है ये घुमंतु होते हैं यानी जगह जगह पे भ्रमण करने वाले, ठीक है। तो इनका स्थान आपको जब भी मिलेगा, ऐसे ही जगह मिलेगा, तो बाबा वहां वास करते हैं और बाबा आप जब उन्हें नोत के आएंगे तो बाबा आपके साथ हो लेंगे। तो बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। व्यक्ति को पहले दूसरे दिन से ही दिव्य अनुभव शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता है उसके चेहरे के हाव भाव, उसके चेहरे पे आकर्षण इस कदर बढ़ जाएगा, चेहरे का आकर्षण, कि लोग जुड़ने लगेंगे और बहुत, जैसे हमेशा आप नशे में हैं इस तरीके से आपकी आंखें नशीली हो जाएंगी और इतने दिव्य अनुभव होंगे कि हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अनुभव में इसमें डरावने भी अनुभव होंगे, सौम्य भी होंगे, किसी भी प्रकार के आपको अनुभव हो सकते हैं, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप गुरु मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को अलग अलग टाइप के अनुभव होते हैं। अब मैं कहने लगूं कि इस तरीके के होंगे तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव शक्तियां लोगों को दर्शन देती हैं अलग अलग तरीके से। और ये पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण की साधना है। बाबा प्रत्यक्ष आते हैं और प्रत्यक्ष आने के बाद नटवीर जो साधना, जो बाबा है ना नटवीर, वो कम से कम 60-65 साल की एज के बाबा हैं और वो सारे काम करते हैं A to Z, अच्छे बुरे जैसा आप चलाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आके वचन देते हैं, वचन देने के बाद बाबा को हुक्का दिया जाता है। जब बाबा आए, वचन दें, बातचीत करें तो बाबा को हुक्का अर्पित करें, उनकी भेंट दें मुर्गे की और उन्हें सवा बोतल दारू की धार दें और उनसे वचन ले लें। तो ये साधना है नटवीर साधना, जो कि पूर्ण रूप से देसी साधना है। अब जो व्यक्ति इस साधना को करना चाहते हैं, यहाँ पे संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है, जो व्यक्ति साधना को करना चाहते हैं वो सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र प्राप्त कर सकते हैं और हम पूर्ण रूप से उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको गाइड करेंगे, साधना कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, सब कुछ बताएंगे। वैसे फिलहाल सब कुछ बता दिया है, मंत्र नहीं दिया है। तो मंत्र चाहिए तो आपको इस साधना का जो शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा और साधना विधि विधान सहित आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।